नमस्कार दोस्तों, हमारी खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 21 अप्रैल 2021 को मौजूद हैं टीकमगढ़ जिले के बगारी माता मंदिर के पास, जो कि अपने बुंदेलखंड में फेमस है। आप यहां पर देख ही रहे हैं कि जवारे विसर्जन किए जा रहे हैं, तो ना ही यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, ना ही लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि इन लोगों को क्या इस बीमारी का भय नहीं है कि नहीं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बगाज माता मंदिर के पास जवारे विसर्जन किए जा रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों से ही जानकारी करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से भीड़ भी लगी हुई है। लोगों को इस महामारी का डर भी नहीं है। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? कहाँ से आई हैं? कहाँ पर आई थी? किस लिए आई थी? जब आएंगे तो जैसे कि आप मुंह पे मास्क नहीं लगाए हैं? नहीं रहेगा। हाँ हाँ, इस तरह से जिस तरह से अपने यहाँ पे पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है, तो पूजा करने लगे क्या आपको उसका डर नहीं है? कैसे नहीं है? किस तरह का डर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, महिला का कहना है कि हम मास्क लगाए हुए थे और यहाँ पर पूजा करने लगे, इस वजह से यहाँ पे हमने मास्क नहीं लगा पाया। तो हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। यहाँ पे आइए चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, जैसे कि आप अभी मास्क नहीं लगाए हुए थे, तो जैसे अपना देश पूरी इस बीमारी से जूझ रहा है, तो आप कहा इसमें क्या डर नहीं है? डर है, क्यों नहीं है? हाँ, लेकिन तो दूरी बनाए रखे थे, इसलिए नहीं लगाए थे। किस तरह का डर है? इसलिए है कि मतलब इस बीमारी से अब तो पहले से भी और खतरनाक हो गई। पहले अगले साल तो मरीज नहीं थे, लेकिन इस साल तो मरीज मतलब ज़्यादा सुन रहे हैं। तो कैसा क्या लग रहा है आपको अभी? यही है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। किस तरह की सुरक्षा रखनी चाहिए? मास्क लगाएं और दूरी का फैसला रखें। और लोगों से ही आप क्या कहना चाहते हैं? यही सबसे कहना चाहते हैं, जैसे पास में जाते हैं तो मास्क लगाना चाहिए। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, ना ही यहाँ पे कोई शासन प्रशासन की धज्जियाँ उड़ाई दे रही हैं, लेकिन लोग यहाँ पर कोई पालन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि पूरे आपका रुक जाइए। कहाँ से आए हैं? सुनवा। कहाँ पर आए थे? माता के पास। किस लिए आए थे? जैसे कि अभी आप ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो क्या इस बीमारी का भय नहीं है आपको?
फिर लगा नहीं पाया वहाँ पर रखा है। किस तरह का डर है फिर? मास्क नहीं ना आए लगाए ना आए बोलते हैं कि डर है, फिर किस तरह का डर है? मास्क तो लगाए हैं मैडम, जुर्म भी रखा है। अरे यहाँ तो निकाल तो अभी तो जैसे हम देखा है आपको लगा रहा भैया कोने से कछु ठीक है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को तो ध्यान ही नहीं है कि इस तरह की भीड़ में हैं और हमें मास्क लगाना चाहिए। आपने देखा है और लोगों से हम बात ही कर रहे हैं कि लोगों, लेकिन लोग कहते हैं कि हम जी। चाचा आपका नाम क्या है? चाचा आपका नाम क्या है? हाँ पूछ रहे हैं कहाँ से आए हैं? पलेरा से आए। कहाँ पर आए थे? मंदिर के पास आए थे। तो आप मुंह पे मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? क्या इस बीमारी का डर नहीं है आपको? अच्छा लगाए हुए थे। जैसे कि अपना देश इस बीमारी से जूझ रहा है और लोगों को भय नहीं है बीमारी का, आप देख ही सकते हैं कि लोग इकट्ठे हुए हैं ना ही यहाँ पर जो शासन प्रशासन का नियम है उसकी धज्जियाँ उड़ाई दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहती हैं और लोगों से? तो चलिए यहाँ पे शासन प्रशासन भी जो कि यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है और किस तरह की दूरी बनाने के लिए बताया जा रहा है। क्या लोग इसका पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप देख ही सकते हैं कि हम बात करते हैं। जी सर आपका परिचय? सब इंस्पेक्टर सैलन सिंह कुशवाहा। सर जिस तरह से यहाँ पे लोग काफ़ी मास्क नहीं लगाए हैं तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है लोगों के लिए? मास्क तो सभी लगाए हैं और मंदिर परिसर के अंदर कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो दूर दूर से अपने जवारे रख के निकल जा रहे हैं और मास्क वगैरह सब लगाए हुए हैं। आप जहाँ भी देखिए सारे लोग मास्क लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पुलिस पूरा पालन करा रही है। जैसे कि सर काफ़ी लोग जो कि हैं उनको मास्क का ध्यान भी नहीं है और इस तरह से देश जूझ रहा है बीमारी से, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? व्यवस्था प्रशासन लगा हुआ है, या मंदिर परिसर से 200 मीटर दूर तक कोई नहीं आ रहा है और जो लोग आ रहे हैं जो ज़्यादा वो हैं तो उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से और प्रॉपर मास्क लगा के यहाँ से वापस उनको इलाज देकर भेजा जा रहा है। और बाकी प्रशासन की यहाँ व्यवस्था भी है, मास्क जिसके पास नहीं उसको मास्क भी दे रहे हैं और बाकी सैनिटाइज वगैरह पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और मंदिर परिसर के अंदर कोई ना वाहन है ना कोई ट्रैक्टर है, सभी को हटा दिया जाए और सबको समझा दे रही है। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना है यहाँ पर जो अधिकारी हैं इन लोगों का कहना है कि मंदिर से काफ़ी दूर तक लोग दूरी से विसर्जन कर रहे हैं जवारे, ना ही यहाँ पे लोगों को आया। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हैं। बाकी लोग हैं उनको ये भी डर नहीं है कि इस बीमारी से कितनी मुसीबत से लोग जूझ रहे हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी बनाई गई है, लेकिन लोगों को इसके बावजूद भी ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना ही काफ़ी लोग मास्क लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो अब हमारे लाइव के साथ बने रहिए। अब हम अपना लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।